निकलेगा, जैद खालिद पटेल साहब। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है कि हमें क्या करना चाहिए, मैं भी काफी कुछ बोल चुका हूँ और बाकी हमारे नॉलेजेबल ब्रदर्स ने भी बहुत कुछ कहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो खुद इंटॉलरेंट होते हैं, मैं इंटॉलरेंट लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, कहना ही चाहता हूँ कि जरा गौर करिए कि हम सब इंसान एक ही ब्रदरहुड है, हम सब के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, हम सब का क्रिएटर और मालिक एक ही है, और हम सबको अलग अलग भगवानों ने, अलग अलग गॉड्स ने नहीं बनाया, सबको बनाने वाला मालिक एक है। तो होना ये चाहिए हम सबको उसका एहसास दिल में लाना चाहिए और उसके खिलाफ जाकर ज्यादा दिनों तक हम दुनिया में भी टिक नहीं सकते। बहुत सारे जालिम आए और गए, फिरौन आया दुनिया में गया, बहुत सारे ऐसी जालिम कौमें थी आकर गए, ऊपर वाले का कंट्रोल चल रहा है, उसके खिलाफ जाकर एक इंसान वक्ती तौर पर गलत भले ही कर सकता है लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज नहीं हो सकती। तो हम सबके लिए ये जरूरी है कि कभी ऐसा हो सकता है इंडिविजुअली कोई शख्स कोई गलत काम करे, हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान सब फरिश्ते हैं, मुसलमानों में भी कोई ऐसा मुस्लिम हो सकता है जो कोई गलत काम सचमुच कर ले, लेकिन याद रखिए इंसाफ का तकाजा यह है, कुरान की आयत है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। तो जो बोझ जिसका है उसे सजा दी जाए और लीगल प्रोसेस, कानून को अपने हाथ में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती की जाए तो कल जाकर केओटिक एनवायरमेंट क्रिएट हो सकता है। हमारी ये कंट्री जहां पर अमन से हम सब रह सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, वी कैन इवन डिफर विद ईच अदर, आप एक अलग व्यू रखते हैं रखिए, हम एक अलग व्यू रखते हैं हम रखें, हम डिफरेंस के बावजूद एक यूनिटी रख सकते हैं इस कंट्री के अंदर और एक अच्छे कॉमन गोल की तरफ, कॉमन प्रोग्रेस की तरफ हम सब बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जुल्म और ज्यादती होती है तो जुल्म का मामला ऐसा है ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए होता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है। हम चाहते हैं कि ये कंट्री और सिविलाइजेशन आगे की तरफ बढ़े, सारे के सारे जितने भी नबी थे वो अपने कौम के खैर खा थे, वही खैर खाई के जज्बे से हम अपनी कंट्री के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपस में इनटॉलरेंस का माहौल ना क्रिएट करें, प्यार और मोहब्बत का माहौल रहने दे, कहीं अगर कोई गलत चीज हो गई हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सही तौर पर उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी हमारा भी ये वादा है कि जुल्म अगर हमारा भाई भी कर रहा होगा हम उसकी भी मदद करेंगे उसे रोक कर, और अगर जुल्म आप पर भी हो रहा होगा तो आप भी हमारे ब्रदर हैं, हम चाहते हैं कि जुल्म को खत्म किया जाए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, चाहे वो किसी पर भी क्यों ना हो। तो ये कॉमन गोल के लिए जरूरी है कि हम सब ये अपने लिमिटेशन से बाहर निकलकर, या लिमिटेशन जो बांधने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि तुम मत बात करो, ये वो लोगों की बात है वो लोग करेंगे, नहीं, ये हम सब की बात है और हम सब इंसानों को इस चीज में यूनाइटेड होकर कदम आगे बढ़ाने हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वो सारे जर्नलिस्ट का, वो सारे मीडिया हाउसेस, वो सारे लोग जिन्होंने अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए यहां तक आके अपने अवार्ड्स की कुर्बानी देकर वो भी रिटर्न किया, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इस कंट्री में एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ एक अमेजिंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है जो एक बहुत ही हिम्मत की बात है, बहुत सारे लोग हिम्मत से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस चीज को, इस डिफरेंस को ब्रिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोशिशें और बढ़ेगी, जो लोगों की कोशिशें हैं कि ये कोशिशों को तोड़ दिया जाए वो लोगों की कोशिशें नाकाम होगी, बल्कि ऐसी कोशिशों को मेन स्ट्रीम, बल्कि सारे के सारे लोग मिलकर के हम ये कनेक्शन को आपस में आई होप जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस चीज का मकसद हमारा हासिल हो। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।